हाय गाइज, व्हाट्स अप, व्हाट्स गुड, कैसे हैं आप। मैं हूं ईशा भान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हेलो जी, कैसे हैं आप। मैं हूं ईशा भान और मैं बनाती हूं ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज की वीडियो में ना हम थोड़े बहुत हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, मेनली द डोंट्स एंड डूज ऑफ हेयर केयर। सो इफ यू डोंट नो, आई हैव क्वाइट गुड हेयर लेंथ एंड वॉल्यूम, और ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप किए हैं एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर फैम। सो इफ यू वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट हाउ टू गेट थिक हेल्दी लॉन्ग हेयर in very short span of time, so keep on watching, and without further ado let's dive straight into this video. So सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की external care की, नहीं internal care की। That is the one I do all the time, that is take protein rich diet। मतलब आपको अपनी डाइट में कुछ ना कुछ प्रोटीन एलिमेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मेरी डाइट में अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, अभी नहीं, अदरवाइज अंडे होते ही होते हैं। आई टेक बॉइल्ड एग्स बिकॉज एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो मैं अंडे, चिकन, ये सब, पनीर, उसके बाद न्यूट्री, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। पालक, ये सब कंज्यूम करना प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट इन द डेज व्हेन आई एम वर्किंग आउट मैं प्रोटीन पाउडर भी कंज्यूम करती हूँ। सो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर हेल्थ, फॉर योर बॉडी, ओवरऑल योर बॉडी हेल्थ, फॉर योर स्किन, एवरीथिंग। सो यू नीड टू टेक प्रोटीन रिच डाइट। अलॉन्ग विद दैट वन थिंग आई यूज टू डू इज़, जब मैंने अपने बाल काट दिए थे और बहुत पतले हो रहे थे, मतलब मेरे बाल बहुत गिर रहे थे बिकॉज ऑफ सम हेयर एक्सीडेंट आई हैड, मैंने बायोटिन लेना शुरू किया था। तो अगर आपके बाल बहुत पतले हैं और बहुत गिर रहे हैं तो टेक स्टार्टिंग सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दो, शुरू करना। मैं तो बायोटिन लेती ही लेती हूँ बिकॉज बायोटिन इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपके हेयर, आपके नेल्स, आपकी स्किन, तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई हाईली रिकमेंड। मैं जो यूज़ कर रही थी वो HK वाइटल्स का था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा आप कोई भी बायोटिन ले लो, प्रेफर करना कि गमीज़ वाला मत करना बिकॉज गमीज़ में क्या होता है वो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीनी डालती होती है उन्होंने, क्योंकि मीठा बनाने के लिए ना, एज अ च्युइंगम वाला फील देने के लिए। तो दैट इज़ मोस्टली नॉट प्रेफर्ड बिकॉज यूजुअली कहते हैं कि इतनी मीठी चीज़ नहीं लेनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। बाल वगैरह तो अच्छे हो जाएंगे बट बाकी चीज़ों की बैंड बच जाएगी, तो इसलिए प्रेफर करना जो टैबलेट फॉर्म में आता है ना, जस्ट पानी के साथ ऐसे दवाई की तरह खा लो, वो वाले मैं पर्सनली वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन दोज गमीज विच आर वेरी शुगरी एंड टू मच मीठा। आई डोंट लाइक दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन डोंट, मतलब मैं ऐसे ही करूँगी, एक डू एक डोंट, एक डू एक डोंट। सेकेंड थिंग इज, मतलब फर्स्ट डोंट वुड बी नेवर कॉम्ब योर हेयर व्हेन योर हेयर इज वेट। सो काफ़ी लोग के 99% लोग मैंने देखे हैं अपनी सर्कल में जो गीले बालों को कंघी कर देते हैं। कभी भी वैसा नहीं करना चाहिए, गीले बालों पे कभी भी कंघी नहीं फेरनी चाहिए, उससे बालों के जो रूट्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका एक्सेसिव हेयरफॉल होता है। तो ऑफन हेयर, मेरे बाल बहुत जड़ रहे हैं, बहुत हेयरफॉल हो रहा है, कभी आपने देखा कि आप गीले, बस सर्द होकर आए हो और कंघी फेरना शुरू कर देते हो। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। गीले बालों पे सीरम लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट गीले बालों पे कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए। नेवर कोम्ब योर वेट हेयर। मतलब मैं ऑनेस्टली कल के परसों मुझे बाहर जाना था, मैं सर्द होकर आई थी, मैं ऐसे ही बाहर चली गई थी। आई हैड टू गो फॉर अ मीटिंग, मैंने तब भी कंघी नहीं की। आई लेट देम एयर ड्राई एंड देन जब ये थोड़ा सेमाई ड्राई एंड प्रॉपर ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं कंघी फेरती हूँ बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट for your hair. Next is use a sulfate paraben free shampoo. ये तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा but this is really important because क्या होता है कि आपके बालों पे जो आप शैम्पू लगा रहे हो अगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होगा तो वो भी आपके बालों को इफेक्ट करता है। So use a SLS paraben free shampoo which is good for your hair एंड द बेस्ट थिंग इज हाउ टू यूज योर शैम्पू. अब मैं भी मतलब ऑलमोस्ट पिछले साल तक क्या करती थी, मेरा क्योंकि लंबे वाला ना, मैं आगे करके शैम्पू लगा के फिर पीछे करती थी. दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ शैम्पूइंग योर हेयर. हमेशा हमेशा जैसे अभी जिस फॉर्म में मैं बैठी हूँ ना, इसी फॉर्म में शैम्पू लगा के, बिकॉज वो पीछे से ही फिर पूरा शैम्पू वगैरह निकल जाए. अगर आप फेस पे आगे करके करते हो तो पहली चीज, अगर आपके बालों में बाई चांस डैंड्रफ या कुछ भी होता है तो आपके फेस पे जो है एक्ने होना शुरू कर देते हैं. दैट इज नॉट गुड एट ऑल. Now I'll quickly cue my shampooing and conditioning routine and what shampoo and conditioner I use so that you get a better understanding of what I am telling you. For my shampoo and conditioner I use this WOW Skin Science ka Healthy Hair Kit, and this has the original red onion black seed oil shampoo and conditioner, and this is originally from WOW Skin Sciences. एंड जो इसका शैम्पू है ना, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. मतलब ये आपका जो स्कैल्प है उसको अनक्लॉग करता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है. देन ये हमारे बालों में जो है, इसमें फ्लोराइड्स, सल्फर रिच कंपाउंड्स रहते हैं, विटामिन B, C, D, E रहते हैं, जो हमारे स्ट्रैंड्स को बिल्कुल ही ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, ब्लॉक्ड रूट्स को अनक्लॉग करता है और हमारे लिए एक हेल्दी हेयर मेंटेन करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. अलॉन्ग विद दैट जो हमारा जो स्कैल्प है ना, वो बहुत अच्छा, एक अच्छा SLS पैराबिन फ्री शैम्पू ढूंढता है जो हमें चाहिए. और दिस इज़ समथिंग आई रियली रियली लव. एंड मेरे बाल ना इसके बाद इतने ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाता है ना, आई किड यू नॉट. एंड दिस इज़ द परफेक्ट वे टू शैम्पू योर हेयर. मतलब बाल पीछे रख के सर धोने से. That is what I was telling you earlier. And then I use the conditioner. Again, this is from the same range. And oh my god, इसके बाल तो बाद में ऐसे लगता है कि मतलब मैंने बिल्कुल salon से कोई अपना hair wash और condition किया हुआ, because the way it turns my hair is so beautiful. इतने shiny, इतने smooth, और मेरा hair fall इतना ज़्यादा reduce कर दिया गया है ना जब से मैंने ये shampoo और conditioner use करना शुरू किया है. I kid you not, I am just in love with this product. It is so good. And you just need to apply the कंडिशनर ऑन टू योर लेंथ. मतलब मैं अपने ना, जैसे मेरा स्कैल्प पोर्शन खत्म होता है वहाँ से मैं अपने एंड्स तक लगाना शुरू कर देती हूँ, और बालों में जो एक्सेस वाटर है वो हटा के यू जस्ट नीड टू रिंस इट ऑफ, एंड विद दिस बी वाव नेचुरली. नाउ द नेक्स्ट डू इज ट्रिम योर हेयर एटलीस्ट वंस इन 90 days, 3 months. 3 महीने में एक बार एटलीस्ट अपने बाल हल्के से ट्रिम कर दो. बहुत ज़्यादा बाल काटने की ज़रूरत नहीं है, बट बिल्कुल छोटे से जो लास्ट आपके डेड एंड्स होते हैं ना, क्या होता है यूजुअली ये चीज़ ना आपकी, या तो बहुत, देखो अभी जैसे मेरे हैं, इट्स ऑलमोस्ट द टाइम दैट आई नीड टू ट्रिम माई हेयर. तो कुछ लेंथ जैसे ये वाली एक बाल है, कुछ एक्स्ट्रा ही लंबा है, और कुछ जो होता है वो अनइवन होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ कई बार हिंडर होती है और स्प्लिट एंड्स भी आ जाते हैं. तो 3 महीने में 90 days में एक बार बिल्कुल हल्का सा ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं यूजुअली इसके लिए अब सैलून भी नहीं जाती, मैं घर पे पापा या मम्मी से अपने हल्के से ट्रिम करवा देती हूँ. जस्ट इतनी सी लेंथ आपको हर 3 महीने में ट्रिम करना चाहिए इफ़ यू रियली वॉन्ट योर हेयर टू ग्रो फास्टर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगेन इट इज़ वेरी मच सेड दैट avoid heating tools, avoid styling tools. See, I am making a video right now. You can clearly see मेरे बालों में ना ऐसे bends पड़े हुए हैं, but I haven't styled my hair at all. Usually जितने ये heating tools रहता है ना, जितने ये आपके ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लर, ये बालों को बहुत डैमेज करते हैं. आई नो द फेस्टिव सीजन इज कमिंग, यू नीड टू स्टाइल योर हेयर, बट एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जो है वो यूज़ करके फिर करना, और ट्राई टू अवॉइड इट. मतलब कोशिश करना कि अगर आपने एक दफ़ा कर दिए हैं तो 10 दिन 15 दिन अवॉइड ही करना उसके बाद. मतलब उससे क्या रहता है कि आपके बाल अच्छे रहते हैं. अगर आप हर तीसरे दिन अपने बाल स्टाइल करो, या हर बार जब आप सर धो रहे हो उसके बाद आप बालों को ब्लो ड्राई करो, स्ट्रेट करो, वो बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है. इन द एंड आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इतने पतले से बाल बचेंगे. बिन देयर डन दैट, तभी बता रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑयल योर हेयर एटलीस्ट वंस इन अ वीक. सो काफ़ी लोग जो है ना, जिनको मैं भी जानती हूँ, दे आर लाइक ऑयल कौन लगाए यार, बड़ा आलस आता है. रात को लगा लो, सुबह उठ के धो लो, कोई ज़रूरी नहीं है ना. अगर आपका उतना भी टाइम नहीं है, जस्ट लगाया, एटलीस्ट 2 घंटे रहने दो, बाल धो लो. बालों को वो नरिशमेंट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बालों पर तेल जो है, मतलब दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम बचपन में तेल लगाते थे, बचपन में हमारे बाल कितने अच्छे होते थे. जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम तेल से दूर जाते गए. दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल. ट्राई टू यूज़ अ गुड हेयर ऑयल इन टू योर स्कैल्प, स्पेशली यहाँ पे ना. अच्छे से ऐसे करके ऐसे मसाज कर दो. ये वाला एरिया, इसको हल्का सा रब कर दो. इस पर ज़रूरी भी नहीं कर आप लगाने लगो, बट योर स्कैल्प, बिकॉज आपके यहाँ पे ना हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसको तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ट्राई टू एटलीस्ट ऑयल योर हेयर वंस इन अ वीक. Now another point is never wash your hair with हॉट वाटर. गर्म पानी से कभी सर नहीं धोना चाहिए. इवन मैं जानती हूँ सर्दियाँ आ रही हैं, अगर आप भी जम्मू या दिल्ली या ऐसे एरिया में रहने वाले हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आपको गर्म पानी चाहिए होगा. बट सर धोने के लिए हमेशा गुनगुना पानी, बिल्कुल हल्का कोसा पानी होता है ना, जो वो यूज़ करना. गर्म पानी से कभी सर नहीं धोना चाहिए बिकॉज जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे वो बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं गर्म पानी की वजह से. आई हैव सीन पीपल जो गर्म पानी ही यूज़ करते हैं 12 महीने, उनके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं. तो इट्स really bad for your hair. Do not use hot water onto your head. Now the last do I want to mention is limit your hair washing to once a week और मैक्स 2 times a week. उससे ज़्यादा बाल धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारे बालों का नेचुरल ऑयल होता है ना, बार बार धोने से वो रिप ऑफ हो जाता है और उसकी वजह से हमारे ग्रोथ और हमारी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है. तो अगर आपको लग रहा है आपको ही बाहर जाना और आपके बाल ऑयली हो गए हैं, द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे इज़ ड्राई शैम्पू. आई लिव ऑन ड्राई शैम्पू. मैं कोशिश करती हूँ मैं हफ्ते में 2 बार सर धोऊँ या मैक्सिमम टाइम्स 1 बार सर धोऊँ. और जब बाकी टाइम्स में अगर मुझे कहीं बाहर ज़रूरी जाना है, आई नीड टू लुक प्रेजेंटेबल, या बाल खुले रखने हैं कुछ वैसा, क्योंकि अभी इतनी गर्मी में मैं तो जूड़े में घूम रही होती हूँ बाहर हर जगह, अगर ऐसा कुछ करना है तो जस्ट यूज़ अ ड्राई शैम्पू. ड्राई शैम्पू इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आई यूज़ द बटीस्ट वन. मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट फॉर योरसेल्फ. आई लव दैट ड्राई शैम्पू. और अगर आपको कोई भी ड्राई शैम्पू चाहिए ना, आप नायका पे जाओ, आपको 1000 ऑप्शंस मिल जाएंगे यार. कोई भी शैम्पू आप है जो यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट डोंट इज नेवर स्लीप विथ ओपन हेयर. खुले बालों में कभी भी सोना नहीं, ना जूड़ा बना के सोना, ना खुले बालों में सोना. ऑलवेज ब्रेड योर हेयर. हमेशा चोटी बनाकर सोना चाहिए क्योंकि खुले बाल जो होते हैं अगेन उसमें भी जो फ्रिक्शन होती है आपके पिलो से वो भी ब्रेकेज को प्रोन कर देती है. जब हम जूड़ा करके सोते हैं एक तो सर दर्द होती है, अगेन बाल बहुत ज़्यादा ब्रेकेज को प्रोन हो जाते हैं. तो नेवर एवर स्लीप विद अ बन और ओपन हेयर. एंड जो आपका पिलो केस भी होता है हमेशा कीप इट सिल्क पिलो केस. नेवर यूज अ कॉटन पिलो केस बिकॉज द फ्रिक्शन इंक्रीजेज अ लॉट. एंड जब आप उठते हो ना वो बालों में बहुत ज़्यादा अड़कन होती है और जब आप कंघी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं. इसलिए ऑलवेज स्लीप विद अ ब्रेड ऑन. एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये हेयर केयर टिप्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हों. इमीडिएटली इनको अपने बालों पे ना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो और 3 महीने के बाद आप मुझे इसी वीडियो पे आके बोलोगे कि ईशा हमारे बालों में बहुत फ़र्क पड़ा, हमारे बाल लंबे हो रहे हैं, हमारे बाल अच्छे हो रहे हैं. और अगर आपको मेरी एक्चुअल हेयर केयर रूटीन देखनी है, लाइक प्रॉपर विच ऑयल आई यूज़, हाउ आई मेंटेन, हाउ आई डू ऑल दीज स्टेप्स इन माई डेली रूटीन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. में प्रैक्टिकल डेली की भी वो वीडियो डाल दूंगी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू.